आपण पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल। नमस्कार, मेरा नाम है बलदराज पुरोहित और आप देख रहे हैं भारतीय जनमत न्यूज चैनल। आइए जानते हैं कुछ मुख्य खबरें। 25 जून को भाजपा ने पिंपरी चिंचवड़ में काला दिवस मनाया। 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर आपातकाल लागू किया, जिससे भारतीय संविधान और नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर गहरा प्रहार हुआ। इस फैसले को भाजपा ने स्वतंत्रता पर हमला बताया और इसी संदर्भ में एक जागरूकता अभियान चलाया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉक्टर सतीश बोरकर ने बताया कि 1975 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी ठहराने के बाद उन्होंने आपातकाल लगाया। संयोजक महेश कुलकर्णी ने कहा कि भारत में 3 बार आपातकाल लागू हुआ है, लेकिन 1975 का आपातकाल आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया, जो सबसे विवादास्पद था। सरचिटनिस नामदेव डाके ने कहा कि इस निर्णय से हुकुमशाही शासन पद्धति लागू हो गई और नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर प्रहार हुआ। भाजपा ने इस काले दिवस के माध्यम से नागरिकों को जागरूक करने की कोशिश की। अपन पाहत आहात भारतीय जनमत आपला चॅनल। नमस्कार, मी ज्ञानेश्वरी, भारतीय जनमत न्यूज चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचं।